लगभग एक माह में ही राजनांदगांव जिला जेल में बंद एक और विचाराधीन बंदी की मौत का मामला सामने आया है। इससे पहले बीते 2 अगस्त को भी एक विचाराधीन बंदी की मौत हुई थी। चोरी के आरोप में बंदी विचाराधीन बंदी सूबेलाल राजनांदगांव जिले के कोडीकसा क्षेत्र के अंतर्गत बमहनी गांव का निवासी था। रविवार को सुबह वह जेल में अचानक बेहोश हो गया। आनन फानन में इस बंदी को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। विचाराधीन बंदी सूबेलाल की मौत के बाद उसकी पत्नी रमसोबाई ने कहा कि जेल के भीतर बेहतर खान पान नहीं मिलने की बात उनके पति कहते थे। रमसोबाई ने कहा कि उनके पति को जेल में क्यों डाला गया यह उन्हें नहीं मालूम। वहीं बेटे को भी गांजे के झूठे केस में फंसा कर जेल में रखा गया है। रमसोबाई ने कहा कि बेटे और पति की जमानत वह 1-2 दिन में करवाने वाली थी। ओला नहीं जान सको ये काबर डालिन ते ओला नहीं जानो ओ थाना चल के हमला पूरा परिवार ला लानी और चारों परिवार आए हम गाड़ी में बैठा के लानी पुलिस वाले मन तो हम लोग 3 जन ला भेजी ना ओला अंदर कर दिन। दोनों बेटा भी जेल में है? हाँ दोनों बेटा भी जेल में है। तो बेटा ला एक जन बेटा ला गांजा केस किन तो वही ला मैं कहें कि गांजा साबुत नहीं है और का बात तुम जेल भेज दो। तो मोला बहुत बड़े बात करता कि पुलिस वाले हटी यही सब मतलब खूब मारे रही से पटना में मोहल्ला थाना के। अभी जेल में मिले पर जात रहे होगा तुम? हाँ जात रहे हैं। तो फिर किससे बात हो रही है? हम से तबीयत हो हाँ ठीक रही से तबीयत। आज किसे अचानक बिगड़ गई तबीयत खराब हो गई? बोला नहीं जान सको भाई बीच में गए मिले बा तो ठीक रही से बढ़िया बात करी हम बोला जमानत कर बोला छोड़ा ना जल्दी दोनों झन हम लोग छोड़ा कि मंझला गुड्डू लवा पड़ना। काकरो पर कोई शिकायत विकायत कोई गाँव में नहीं? यहाँ जेल वेल में कोई शिकायत है? जेल में कैसे खाना पीना देते हैं तेल नहीं जानो भाई लेकिन वो नाश्ता पानी में खूब ले गत रहे हैं हमें चार बिस्कुट सब लाने का चटनी वटनी लाने का खाना में कोई ठिकाना नहीं है तो जल्दी लाने कर हमारे पास कहा था एक 2 डब्बा अचार छोड़ा हमें चार बिस्कुट। जमानत पर नहीं लगाए हो कोई वकील वकील नहीं करे रहे होता? लगा रही हूँ काली जमानत हो रहती है। हाँ काली जमानत करूँ कह के पट्टा खोजत रहे हैं मैं पट्टा खोजे बा कह के निकले रहे हैं तो नोनी फोन लगा इसके पापा की तबीयत खराब है माँ जल्दी जाके इस तब में कौड़ी कसर से मैं बहुत जल्दी निकले हूँ। थाना प्रभारी लालबाग से हमको ज्ञापन प्राप्त हुआ SDM सर को जिसमें सूचना मेरे को मिला कि सूबेदार पिता केजूराम उम्र 52 निवासी बमनी जो विचाराधीन बंदी था जिला जनरल राजनांदगांव में जो अचानक से बेहोश हो गया जिसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया गया था। इलाज दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इसे सूचना प्राप्त होने पर आज दिनांक मैं यहाँ पर सौ पंचनामा एज अ मजिस्ट्रेट उपस्थित हुआ हूँ। उसके परिवारजनों की प्रतीक्षा की जा रही है उसके परिवारजन उपस्थित हो जाएंगे उसके बाद सौ पंचनामा की कार्रवाई की जाएगी। विचाराधीन बंदी सूबेलाल की मौत कैसे हुई यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही ज्ञात होगा। लेकिन बीते 2 अगस्त को भी राजनांदगांव शहर के शांति नगर क्षेत्र निवासी एक बंदी की मौत भी पेट में दर्द होने के कारण मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान हुई थी। एक माह के भीतर ही 2 लोगों की मौत होने से जेल में बंद अन्य बंदियों में भी हड़कंप मचा हुआ है।